ए यूनिफॉर्म रड ए बी ऑफ लेंथ एल इज़ हिंज एट वन एंड ए इट इज़ रिलीज फ्राम रेस्ट फ्राम ए हॉर्जेंटल पोजिशन फाइंड एक्सलेसन ऑफ रड एक यूनिफॉर्म रड है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मीनस क्रॉस एक्शन एरिया यूनिफॉर्म है ठीक है ओके मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा सो लेंथ उसका एल है जिसको एक एंड पर हिंच किया हुआ है सो इट इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट उसको रेस्ट पोजिशन से जब वो रेस्ट में है वहाँ से उसको रिलीज किया गया रेस से रिलीज किया गया सो फाइंड द एक्सलेशन ऑफ रड ठीक है सो so देखिए इसका डायग्राम सबसे तो पहले हम लोग बनाते हैं सो मान लीजिए दिस इज द वॉल एंड दिस इज द रड हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इसका लेंथ इस एंड से इस एंड तक एल है दिस एंड इज ए रड को इस इंड पर वाल के साथ मान लीजिए हिंच किया हुआ है ठीक है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ठीक है इस रड को जब इस पोजीशन से रिलीज किया गया तो इसका आपको एक्सलेशन निकालना है सो देखिए ये हिंच किया हुआ है सो हिंच किया हुआ है अगर इसको आप रिलीज कीजिएगा सो ये क्या करेगा ये रोटेट करेगा ठीक है रोटेशन में आएगा ये सो so, इसका दो तरह का एक्सलेशन इसमें जेनरेट होगा एक एक्सलेशन होगा इसका एंगुलर एक्सलेशन लेट दैट इज अल्फा अल्फा एंगुलर एंगुलर एक्सलेशन ठीक है दूसरा ए सी एम इज लीनियर एक्सलेशन लीनियर एक्सलरेशन एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास इस रेड का जो सेंटर ऑफ मास है उसका लीनियर एक्सप्रेशन ए सी एम हम लोग बोल सकते हैं जनरेट होगा ठीक है so, दो तरह का एक्सपलेशन होगा एक एंगुलर और दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये दोनों आपस में रिलेट होते हैं सो so, देखिए ये रेड टोटल लेंथ एल है सो so इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इन बिटवीन होगा मीन्स इस एंड से एल बाई टू पर देन अगेन दिस इज एल बाई टू ठीक है इसको रिलीज किया गया मान लीजिए इसका मास अगर एम है एम इज द मास ठीक है सो so, इसका वेट क्या होगा एम और वो वेट जो है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड होगा दिस इज एम ओके और कोई फोर्स नहीं है जो इसको रोटेट करा सकता है दिस इज द ओनली अवेलेबल फोर्स एम जी विच कैन रोटेट दिस रड अबाउट द एंड ए ओके सो इसका टॉर्क क्या होगा टॉर्क टॉर्क टाउ निकालिए टाउ इक्वल टू इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिएगा टाउ ए हम लिख देते हैं टाउ ए सो so, ए के अबाउट हिंच के अबाउट जब टॉर्क लीजिएगा जिस पॉइंट के अबाउट फ्री रोटेट हो सकता है सो टॉर्क क्या होगा आर क्रॉस एफ टाउ पता है तो ये वैक्टर क्वान्टिटी इसकी वैल्यू आर क्रॉस एफ होती है ठीक है नॉट एफ क्रॉस आर आर क्रॉस एफ तो देखिए ये फोर्स डाउनवर्ड एम है इसका रेडियस वैक्टर क्या होगा अबाउट है दिस इज दिस इज द रेडियस वैक्टर आर वैक्टर सो आर क्रॉस एफ जब लीजिएगा सो क्या होगा दिस इज आर एंड दिस इज एफ सो आर क्रॉस एफ क्या होगा आर से एफ की तरफ सो ये क्लॉक वाइज आएगा ठीक है सो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा क्लॉक वाइज होगा एंड ड्यू टू दिस टॉर्क दिस रर्ड विल रोटेट क्लॉक वाइज एबाउट दिस एंड ए ठीक है सो फोर्स इन टू पर डिस्टेंस सो फोर्स लीजिए एम जी ठीक है आर क्रॉस एफ लेना है सो so ये क्या होता है आर एफ साइन थीटा सो देखिए यहाँ पर इस रेडियस वेक्टर और इस फोर्स के बीच में एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है सो साइन नाइन्टी डिग्री का वैल्यू वन होगा सो so, सिंपल हम लोग आर क्रॉस एफ ले सकते हैं सो आर क्रॉस एफ कीजिएगा सॉरी आर एफ ले सकते हैं आर क्रॉस एफ इज आर एफ साइन थीटा थीटा इज 90 डिग्री सो आर एफ सिंपल ले सकते हैं सो एफ का वैल्यू एम जी है दिस इज द फोर्स डाउनवर्ड इन टू रेडियस सो इट इज एल बाई टू यहां से यहां तक डिस्टेंस ठीक है एल बाई टू सो दिस इज द टॉर्क टॉर्क क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओके अबाउट वाट ए देन अल्फा एंगुलर एक्सन आई एल्फा ये टॉक होता है सो डैट इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू ओके अब देखिए मोमेंट ऑफ एनर्जिया आपको किस पॉइंट के अबाउट लेना होगा मोवमेंट ऑफ एनर्जिया याद रखिएगा है हमेशा उस पॉइंट के अबाउट हम लोग लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट किसी भी बॉडी का रोटेशन हो रहा हो ठीक है ऐसे पॉइंट के अबाउट नहीं लेना है जहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट लेना है जहाँ रोटेशन हो रहा है सो यहाँ रोटेशन देखिए इस रड का एक के अबाउट हो रहा है सो इसका मोवमेंट ऑफ एनर्जिया इस रड का ए के अबाउट लेना है सो देखिए सेंटर के अबाउट तो हमें पता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता है इंड के अबाउट क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री सिंपल एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व मान लीजिए रड का लेंथ एल है है ना प्लस पैरल एक्सिस थोरम लगाते हैं सो एम एल बाई टू का स्क्वायर सो एम एल स्क्वायर बाई फोर जब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग तो ट्वेल्व आता है दिस इज एम एल स्क्वायर प्लस थ्री एम एल स्क्वायर सो इट इज़ फोर एम एल स्क्वायर बाई टूवेल्व सो इट इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री ठीक है ना ये होता है सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे एम एल स्क्वायर बाई थ्री पुट करेंगे अब देखिए अल्फा क्या है अल्फा एंगुलर एक्सलेशन है ये एंगुलर एंगुलर एक्सलेशन और लीनियर एक्सलेशन आपस में कैसे रिलेटेड होता है ए सी एम इक्वल टू ए सी एम इक्वल टू अल्फा इन रेडियस रेडियस किस चीज का रेडियस इसका सेंटर ऑफ मास जो रोटेट करेगा सो so देखिए इस तरह से रोटेशन होगा इस तरह से रोटेशन होगा ओके okay? है ना तो ये रोटेशन में क्या होगा एक सर्कल टाइप का बनेगा सो so, इस सर्कल का रेडियस ठीक है so, सो देखिए यहाँ पर रेडियस कितना आएगा एल बाई टू यहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट से हिंद से लेके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ठीक है so, सो अल्फ़ा एल बाई टू ठीक है ए सी एम इक्वल टू अल्फा आर हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू आर सो so यहाँ पर ए सी एम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाई टू सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा टू टाइम्स टू टाइम्स ए सी एम बाई एल ये यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हमारा आ जाएगा ठीक है सो so, यहाँ पर हमको पुट कर देना है अल्फा का वैल्यू टू टाइम्स ए सी एम डिवाइड बाई एल ओके इक्वल टू एम जी एल बाई टू ओके सो हमें क्या निकालना है हमें ए सी एम निकालना है सो ए सी एम का वैल्यू निकालिए ए सी एम क्या हो जाएगा देखिए एम तो कैंसल आउट हो गया सो इट इज़ जी एल बाई टू राइट साइड का टर्म देन अगेन ये एल थ्री एल मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है डिवाइड बाई टू एल स्क्वायर ओके सो देखिए आगे इन एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है सो ये कितना आ गया कैलकुलेट करने के बाद इट इज़ थ्री जी बाई फोर ठीक है सो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इसका आएगा दैट इज थ्री जी बाई फोर ठीक है सो लीनियर एक्सलेशन अगर सेंटर ऑफ मास का बोलता है सो इट इज़ थ्री जी बाई फोर और एंगुलर एक्सलेशन अगर पूछा जाएगा सो so अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा टू बाई एल इंटू ए सी एम सो थ्री जी बाई फोर ठीक है सो so, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा सो ये वैल्यू आ जाएगा अल्फा इक्वल टू सिक्स सॉरी टू का होगा सो थ्री जी बाई टू एल थ्री जी बाई टू एल ठीक है सो so, ये देखिए आपके पास ये दो आंसर आपके पास है अगर एंगुलर एक्सन पूछता है रड का सो दिस इज थ्री जी बाई टू एल्व और लीनियर एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रड पूछेगा सो थ्री जी बाई फोर ये दो आंसर अवेलेबल होगा ठीक है